किसकी तलवार पर सर रखूं, बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो फिर सजा दो मुझे। ओम शांति ओम से अपने करियर की उड़ान भरने वाले, वहीं दूसरी ओर दिल्ली का छोरा उफ बिट्टू के नाम से फिल्म बैंड बाजा बारात में अपनी किस्मत को आजमाता। किसे पता था एक दिन ये दोनों ही जोड़ी एक साथ कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे, एक साथ बाजीराव मस्तानी बन जाएंगे, एक साथ गोलियों की रासलीला रामलीला में नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, यानी कि लव स्टोरी में। बॉलीवुड में लव बहुत ही ऐसे कम ऐसी जोड़ियाँ होती हैं जो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे की हो जाती हैं, पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठती हैं। कुछ ऐसा ही कहानी, कुछ ऐसे ही किस्से हमारे बिट्टू यानी कि रणवीर सिंह की है, साथ ही साथ दीपिका पादुकोण की। रणवीर सिंह जो कि फिल्म बैंड बाजा बारात से उन्होंने डेब्यू किया, और किसे पता था कि एक दौर ऐसा आएगा जब वो संजय लीला भंसाली की इतने बड़े बैनर की फिल्मों में नजर आएंगे। किसे पता था कि दीपिका पादुकोण जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही रोमांटिक किंग, जी हाँ रोमांस के किंग यानी कि शाहरुख खान से की थी, वो और साथ ही साथ रिलेशन में थी यानी कि रणवीर कपूर के साथ, वो के एक दूसरे के हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आज दीपिका पादुकोण और साथ ही रणवीर सिंह की। इन दोनों की मुलाकात बड़ी ही फिल्मी और बड़ी ही मज़ेदार रही। किसी को नहीं अंदाज़ा था, यहाँ तक कि खुद दीपिका को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपना दिल जो हमारे रणवीर सिंह हैं उन पर हार जाएगी। उन्होंने तो भाई मजाक में रणवीर सिंह को, यहाँ तक कि उन्होंने उनकी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात भी नहीं देखी थी। लेकिन हमारे रणवीर जी की अगर बात कर लें तो वो तो भाई पहले से ही कितने चुलबुले अंदाज के हैं ये आप सभी जानते हैं। उनकी पहली फिल्म भी बिल्कुल उनके कैरेक्टर के ऊपर सूट करके बैठाई गई थी। पहली ही नज़र में रणवीर अपना दिल दीपिका को दे बैठे थे। हालांकि दीपिका उस समय बिल्कुल भी इंटरेस्टेड उनमें नहीं थी, और उस समय पर वो अपने ब्रेकअप के समय, जी हाँ जो ब्रेकअप उनका हुआ था रणवीर कपूर के साथ, उन्हें लेकर काफ़ी परेशान चल रही थी, डिप्रेशन में चल रही थी। बट जब ये इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो खैर रणवीर तो अपना दिल दे ही बैठे थे, लेकिन दीपिका की दरअसल में उनके एक टीम में मेंबर था जो रणवीर सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन था, और उन्हीं के ज़िद करने पर दीपिका ने उनकी फिल्म बैंड बाजा बारात देखी। धीरे धीरे भाई इन दोनों को एक साथ लेकर आए संजय लीला भंसाली फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में। अब इस जोड़ी में ने फिल्म तो शुरू कर दी, लेकिन इन दोनों की जोड़ी की देखा जाए तो उन फिल्मों के दौरान एक दूसरे के इतने करीब आए कि अगली फिल्म के लिए इन्होंने अपने आप को पहले से ही ये सोच के रख लिया था कि हाँ अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ दीपिका का दिल टूटा था वहीं रणवीर को दीपिका पहले ही भा चुकी थी। यहाँ तक कि रणवीर दीपिका से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इतनी ज़्यादा प्यार करते थे कि दीपिका ने जब इंटरव्यू में अपने डिप्रेशन की बात बताई थी तो वहाँ पर दीपिका तो टीवी में रोई ही थी, लेकिन साथ ही साथ टीवी के बाहर बैठे रणवीर सिंह भी रोने लगे थे। खैर दोस्तों, इनकी लव स्टोरी मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा है बहुत ही फिल्मी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इन्हीं दोनों की जोड़ियों की तरह बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए बिना देर किए आप लोगों को दिखाते हैं उनका ये खास रिपोर्ट। दीपिका के प्यार में चाय में डूबा बिस्कुट तो रणवीर 2012 में ही हो गए, जब उन्होंने बैंड बाजा बारात के बिट्टू ने दीपिका की आंखों की अजब गजब सी अदाओं को देखा। इसका जिक्र बाबा रणवीर सिंह ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। वेल दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मस्तानी बाजीराव की हो गई और कैसे बाजीराव अपना दिल मस्तानी पर हार गए। क्या फिल्मों के साथ साथ रियल लाइफ में भी क्या ये एक दूसरे के बाजीराव और मस्तानी हैं? जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं उनकी लव स्टोरी। बताना चाहेंगे, रणवीर को दीपिका पादुकोण से पहले ही नज़र में प्यार हो गया था। इसका जिक्र रणवीर सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में कहा। वो अवार्ड शो जी सिने वालों का था। उनमें दीपिका पादुकोण सिल्वर गाउन पहनकर पहुंची थी। रणवीर कहते हैं, जब मैंने दीपिका को पहली दफ़ा देखा तो गिरते गिरते बचा था। खैर,
अब दोनों पति पत्नी के तौर पे शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इन्होंने शादी इटली में की 14 और 15 नवंबर को, पिछली बार कोंकणी रीति रिवाज से और दूसरी बार सिंधी रीति रिवाज से। खैर, बताना चाहेंगे रणवीर का जन्मदिन था क्योंकि उस दिन 6 जुलाई थी। परिवार के साथ वो मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे, दीपिका भी वहीं थी। दोनों की नजरों में ने देख लिया एक दूसरे को, फिर रणवीर से दीपिका बोली, तुम मुंबई शिफ्ट हो गए? वो दिल्ली के बिट्टू शर्मा के चक्कर में भूल गई कि रणवीर बॉम्बे के ही हैं। जबकि उस शाम को याद करते हुए रणवीर कहते हैं, कोई कैसे इतना खूबसूरत लग सकता है। वहीं दीपिका ने एक इंटरव्यू में रणवीर के पहले इंप्रेशन के बारे में कहा, जी हाँ, मेरा एक एजेंट था जो रणवीर का फैन था, वो कहता था कि ये लड़का बड़ा एक्टर बनेगा। मैं हैरानी जताते हुए कहा, ये मेरे टाइप का नहीं है। हालांकि महीनों बाद मैंने वो फिल्म देखी। बताना चाहेंगे आपको, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा मेरा जिया। रणवीर दीपिका के आशिक हो चुके थे, मतलब उन्हें मस्तानी से एक तरफा मोहब्बत हो गई थी। फिर उनकी जिंदगी में संजय लीला भंसाली आए, जो कि बाहर लेकर आए। उन्होंने दोनों को साथ लेकर गोलियों की रासलीला रामलीला, जो कि साल 2013 में बनी थी, उसे बनाया। दीपिका और रणवीर की साथ में ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के दौरान दीपिका के दिल में भी रणवीर को लेकर कुछ कुछ होने लगा, जिसे रणवीर समझ चुके थे। जी हाँ, बता दें फिल्म 15 नवंबर को रिलीज हुई, जो उनकी मैगजीन डेट भी छपी थी। वेल, दीपिका की जिंदगी में कई उतार चढ़ाए। उनके लिए सबसे मुश्किल दौर था डिप्रेशन से लड़ना, उनका ब्रेकअप हुआ था उस वक्त। हालांकि रणवीर और उनकी जिंदगी में धीरे धीरे कदम रख रहे थे, वे दीपिका को चाहने लगे थे। इंटरव्यू में रणवीर ने कहा था, जब मैंने दीपिका को टीवी पर पहली बार अपने डिप्रेशन के बारे में बात करते हुए सुना तो मेरी आंखों में आंसू था। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत हिम्मत करनी पड़ी। फिल्म फाइंडिंग फैनी याद है, जीवन में रणवीर का एक छोटा सीन था जिसमें वो दीपिका का दूल्हे बने थे। जब कहा जा रहा है कि रणवीर ने इस रोल को मुफ्त में किया, वैसे फिल्म का वो सीन कमाल का था। सीन में शादी के वक्त रणवीर की मुस्कान बड़ी अच्छी लग रही थी, कसम से। और हाँ, अब रियल लाइफ वाली शादी में वो गाना तो जरूर बजेगा, जिसका जिक्र रणवीर ने दीपिका का नाम लिए बगैर किया। अरे वही सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गए यारो इसको तो लबेरिया हुआ, जो कि रणवीर का फेवरेट गाना है। वेल, अगर देखा जाए तो संजय लीला भंसाली के बिना ये इश्क अधूरा था, क्योंकि उनकी बदौलत ही दोनों एक दूसरे को जानने का काफ़ी उन्हें मौका मिला। भंसाली की फिल्म रामलीला बाजीराव मस्तानी और पद्मावत ने दोनों की केमिस्ट्री कमाल कर दी, जिसके दर्शकों के भी दीवाने हो गए। इन सब के बीच दीपिका ने रणवीर को आयत की तरह याद कर लिया, जी हाँ, और इन्होंने उनके नाम एक शायरी लिख दी। जी हाँ, कह सकते हैं उनका दिल गया इस तरीके से, जो हम इस शायरी में जिक्र करने वाले हैं। जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, हर जंग जीतने पर दिल से हार जाए, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए, वो है इश्क। और रणवीर दीपिका की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। और बॉलीवुड के ये वो लव वर्ड हैं जिनकी जोड़ी उस सिर्फ उन दोनों को ही नहीं, बल्कि उनके चाहने वाले और उनके फैंस के भी दिलों पर राज करती है। अगर आज भी दीपिका और रणवीर एक साथ कहीं नजर आ जाए तो उनकी फैन फॉलोविंग उन्हें देखकर वाकई में ऐसा लगता है कि मानो उनकी बॉलीवुड की सबसे फेवरेट, सबसे ज़्यादा मन पसंदीदा जोड़ी उनकी यही है। फिलहाल अपनी दोनों ही अपने लाइफ में बेहद खुश हैं। जहां दीपिका अपनी फिल्मों के साथ बिजी हैं, वहीं रणवीर भी बॉलीवुड में नए नए धमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से ये बाजीराव मस्तानी फिल्मी पर्दे पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में है। ये भले ही गोलियों की रासलीला रामलीला में एक दूसरे को उन्होंने ख़त्म कर दिया हो, एक दूसरे की ही जान ले ली हो, लेकिन देख रियल लाइफ की अगर बात करें तो ये एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। भले ही फिल्म पद्मावत में शाहिद कपूर की पत्नी बनी हो दीपिका,
लेकिन रियल लाइफ में वो हमेशा हमेशा के लिए 7 जन्मों के लिए रणवीर सिंह की हो चुकी हैं। और वाकई में इस बात की खुशी जितनी ज़्यादा रणवीर सिंह को है, उससे कई ज़्यादा खुशी दीपिका पादुकोण को है। दीपिका पादुकोण को खुशी इस बात की है कि उन्होंने एक ऐसा जीवन साथी पाया है, एक ऐसा खुशनसीब पति पाया है जो हमेशा उन्हें खुश रखता है, हमेशा चुलबुले अंदाज में दिखता है और हमेशा उनके हर कदम पे, उनके सुख और दुख में उनके साथ रहता है। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को ये बाजीराव मस्तानी की री एंड रियल लाइफ की स्टोरी, यानी उनकी रियल लव स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई लव स्टोरी है या आपकी खुद की लव स्टोरी अगर कुछ ऐसी मिलती जुलती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही प्रोग्राम को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।